फंसा दिनेशपुर का छात्र, छात्र ने बताया वहां का आंखों देखा हाल, परिजनों ने की छात्रों के सकुशल वापसी की मांग। ऋषिकेश में सामने आई पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, क्षतिग्रस्त हुए मैनहोल के ढक्कन हादसों को दे रही है न्योता। देहरादून में लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार, ज्वेलरी और नकदी भी। ऋषिकेश में निकाली गई साईं बाबा की भव्य पालकी, श्रद्धालुओं ने जमकर किया स्वागत, नाचते झूमते दिखाई दिए श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही, लोगों की जान पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि एम्स रोड पर मैनहोल का ढक्कन मौत को बुलावा दे रहा है। कोयल घाटी से वीरभद्र तक करीब दो दर्जन मैनहोल के ढक्कन क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दोपहिया वाहन जब क्षतिग्रस्त ढक्कन के ऊपर से गुजरते हैं तो स्लिप होकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में वाहन सवार भी चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मामला संज्ञान में होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी क्षतिग्रस्त मैनहोल के ढक्कनों को ठीक करने की सुध लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम मेरा रंधारा जी है जी, और समस्या ये है कि इस पे लाइन पे कोई गटर के गड्ढे है, कोई लाइन फूटी हुई है, और कोई ये समस्या ये है कि रात भगत को कहीं किसी टाइम रोड पे हमारी दुगिए हैं फुटपाथ पे, उस पे कहीं भी एक्सीडेंट किसी समय हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये गटर के गड्ढे हैं सर जी, ये गटर के गड्ढे हैं जी, उसमें रात को दिखाई नहीं देते, दिन में तो आदमी देख कर निकल जाता है पर रात के समय में दिखाई नहीं देते, उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे और दुगी धोपड़ी बाहर सोते हैं हम, कभी कोई आस्था ऐसा हो जाए क्या पता गाड़ी बच्चों पर चढ़ जाए। मेरा कहना ये है जो ये एम्स को जाने वाली रोड है जो कि हाईवे से अटैच्ड है, ये लगातार अनियमितताओं से घिरी रही है। स्वयं मैंने कम से कम 4 बार CM पोर्टल पर शिकायत की है, PWD को इसकी शिकायत की क्योंकि PWD के अंतर्गत ये रोड आती है, नगर निगम को भी मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी न मौके पर पहुंचा, ना आज तक उन्होंने अनियमितताओं पर ध्यान दिया, चाहे वो नमामि गंगे का कार्य रहा हो, चाहे वो नगर निगम का या PWD का। लेकिन अब इसमें जो बात आती है मेन होल की, क्योंकि देखिए एम्स को जाने वाली रोड है, अति व्यस्त रोड है, सैकड़ों की संख्या में मरीज जाते हैं ऐसे रोज, और पहले तो सड़क टूटी फूटी थी, अब जब सड़क की थोड़ी रिपेयरिंग टल्ले लगा के इन्होंने की है तो उसके बाद वो जगह जगह से लगभग 25 जगह पूरी एम्स तक, ऐसा है अगर आप KG के पास से कोयल ग्राइंड से चलते हैं और एम्स तक लगभग 25-26 जगह मेन होल गड्ढे में है, तो जब भी गाड़ी का टायर वहाँ पड़ेगा दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटी गाड़ियां भी और एम्बुलेंस के अंदर मरीजों की आफत भी है, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है क्योंकि पहले जानबूझ के गड्ढे में दबा दिया गया मेन होल को, अब उसका टेंडर करके उसको बाहर लाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है, जनप्रतिनिधि है, नाकाम है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन्हें आम समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये निपटारा नहीं किया गया शीघ्र अतिशीघ्र तो हम पूरे कांग्रेस जन सड़क पर आकर इसका विरोध करेंगे। भाद्राबाद में सुचारू यातायात व्यवस्था में प्रवर्तन और संचालन के साथ साथ जन जागरूकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। SSP हरिद्वार और यातायात निदेशक के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में स्टॉप लाइन के महत्व के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यातायात पुलिस ने सामाजिक कल्याण विकास समिति के सहयोग से स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया है। इसमें लोगों को स्टॉप लाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टॉप लाइन का सम्मान नहीं करते, उससे पहले वहाँ वहाँ रोकते नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इस वजह से 2-व्हीलर 4-व्हीलर ऑटो रिक्शा सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और जो लोग स्टॉप लाइन का सम्मान कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव जो है महिंद्रा और सामाजिक कल्याण समिति की तरफ से की सहायता से हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं में कमी आए और लोग ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें।
रूस और यूक्रेन संघर्ष के चलते कई भारतीय छात्र कई शहरों में फंसे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के दो छात्र वेस्टर्न यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में फंसे हुए हैं। दोनों टर्नोपिल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड और भारत के लिए टर्नोपिल शहर से आंखों देखा हाल सुनाया है, साथ ही भारत सरकार से सकुशल भारत पहुंचाने की भी गुहार लगाई है। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंसा हुआ है। परिजन उसकी सलामती के साथ जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर निवासी बीजेपी नेता दीपांकर राय का बड़ा बेटा अमन राय यूक्रेन की खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। रूसी हमले के बाद परिजन डर गए और उन्होंने तुरंत फोन से अमन से संपर्क किया। पिता दीपांकर के मुताबिक अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वो ठीक है। उसके हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर सुबह 2 धमाके हुए हैं जिससे सभी छात्र डरे हुए हैं। ।2019 में MBBS कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें MBBS कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका थर्ड ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है और 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी सरकार से मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और आपका आभारी रहूँगा जो यहाँ के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान में है, नाजुक स्थिति में हैं, उनको किस तरीके से लाया जाए, ये आपसे अनुरोध है। वो मेट्रो जो स्टेशन है उसका जो कम से कम 70 फुट गहराई में वो लोग रात बिता रहे हैं और वहीं पे उसको सुरक्षित के लिए कहा गया है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए जो अपने साथ ले गया था, जो थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं, जैसे केला है, फ्रूट है और कुछ और भी चीज़ें वो उनके साथ है। वहीं अक्सर के भी 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं जिसके चलते घर में परिजनों का बुरा हाल है। आशुतोष शर्मा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जो MBBS में 5वें साल का छात्र है। परिजनों ने भारत सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई। ईमेल पे फॉर्म आया था, इन्होंने एम्बेसी ने फॉर्म डाल रखा था, इंडियन एम्बेसी ने। अच्छा। तो उसी फॉर्म से मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आज सुबह 5 बजे पापा वगैरह कॉल कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था, दोस्तों का कॉल आया तो यहाँ पे बॉम्ब्स की आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा। आस पास भी ऐसा ही, मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले भी मिसाइल की आवाज आई थी, मतलब गिरने की होती है ना, जैसे हम यहाँ से रुड़की तक सुनते हैं आवाज जब शूटिंग करते हैं टैंक से, इस तरह के वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। खिड़की वगैरह हिल रही है, लोग बंकरों में जा रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है और कह दिया गया है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और खाने की बड़ी दिक्कत, क्या बोलते हैं, जो आसपास के बिल्डिंग्स के लोग भागे हैं उन्होंने हमें बोल दिया है कि नीचे बंकर्स हैं हर बिल्डिंग के नीचे, तो सेफ्टी सही है सब। मेट्रो के अंदर खाना पानी फ्री हो गया, अंदर मतलब सब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और बाकी चारों तरफ घुस चुके हैं रशियंस, कीव पे अटैक हो गया है, जहाँ पे मैं खार्किव में हूँ फिलहाल, यहाँ पे भी अटैक ही हो गया। बाहर पुराना जो एयरपोर्ट था वो उड़ा दिया, बाकी पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे। आपने अप्लाई किया वैसे, अब फिलहाल आपकी कोई बात हुई है उधर, आपकी बात हुई है? मेरी ये कह रही है कि बस क्या बोलते हैं, घर जाना है, घर चले जाओ, यहाँ रुकोगे तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यही चल रहा था कि जा सकते हो घर, जो घर जाएगा उसकी ऑनलाइन करवा देंगे, जो यहाँ रुकेगा उसकी ऑफलाइन रहेगी। अब एक अचानक से हो रहा होगा तो सभी बंद हो गए, सब इंस्टीट्यूशन बंद है, सब चीजें बंद हो चुकी है। आपका क्या मन है वैसे उधर से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा निकल ही नहीं
सकते हैं ना, देखिए खार्किव का जो एयरपोर्ट है यहाँ से अगर दुबई की भी फ्लाइट कराओ तो $1,000 की फ्लाइट हो रही है, और अगर इंडिया जाओ तो इसको कीव से जाना होता है और कीव बंद हो चुका है, कीव पे कब्जा कर लिया रशियंस ने, तो एग्जिट तो फिलहाल एक नॉर्मल आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। यही ऑप्शन बचा है कि यूरोप की तरफ बाय ओन रोड जाया जाए। चलिए, वैसे आप सेफ हैं अभी? सेफ है अपने दोस्त के साथ जी? जी अभी फिलहाल घर का माहौल तो बहुत ही ख़राब है सर, लोगों सभी चिंतित हैं, सर रिश्तेदार चिंतित हैं, और उसे वापस लाने के जो जितने भी प्रयास थे लगभग स्थिल हो गए, क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से, अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है सर, तो बच्चा आएगा कैसे ये कुछ पता नहीं। वहाँ अभी जो बच्चे से बात हुई है तो कह रहे हैं एयरपोर्ट भी, एक तो एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने, रेक बंद कर लिया, लगभग कब्जे में है, और वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है लगभग सब बंद हो गई, प्राइवेट व्हीकल का वहाँ बच्चे को कहाँ से किसके पास आएगा, तो बच्चे कमरों में कैद हैं, खाना पानी भी शायद मेरे ख्याल में हफ्ते भर का ही होगा मैक्सिमम, इतना कहाँ रख पाएंगे बच्चे। प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी सुरक्षित अपने देश में मंगवाने की कोशिश करें किसी भी तरह, क्योंकि वहाँ से अब तो साधन भी सब बंद हो गए हैं, ट्रेन है वो बंद हो गई है, और बसें वगैरह तो वैसे ही वहाँ नहीं चलती हैं, और दूसरा इसकी मेन जो जड़ है इसकी लड़ाई की, ये अमेरिका की देन की हो रहा है, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत वो हो गई खाने पीने के सामान की दिक्कत आ गई, वहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं लंबे लंबे, वहाँ तो पैसा उसे मोबाइल से ले लेते हैं, बाकी बाहर से अगर कोई सामान लोगे तो वो तो नकद पैसा मांगते हैं, वहाँ एटीएम में भी पैसा नहीं रहा, सभी तरह के परेशानी हो रही है, रात को सोने की बड़ी दिक्कत है, वो बता रहे हैं कि रात को जब बिल्डिंग हिल रही थी तो कहीं वहाँ बिल्डिंगों में नीचे बंकर बना रखे हैं छोटे छोटे, अब उसमें जितने आदमी थे घुस गए तो वहाँ सांस लेने की भी परेशानी हो रही है। सर लक्सर क्षेत्र के 4 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी सूची तैयार हो गई है, एक व्यक्ति अकोड़ा से है, एक सीधड़ू, एक लक्सर क्षेत्र से और एक गोरखपुर से, तो इसमें इनकी सूची बनाकर शासन को प्रेषित की जा रही है, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा इन सभी छात्रों को यूक्रेन से सकुशल वापसी के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और होपफुली जल्दी इसमें हमें कामयाबी भी मिल जाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे छात्रों ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर सकुशलता पूछने में जुटे हुए हैं। मंगलौर क्षेत्र से भी 5 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से छात्रों को सकुशल वापस लगाने की गुहार लगा रहे हैं। मंगलौर से BJP के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी 6 सालों से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। जमीर हसन ने बताया कि बेटे से बात हुई है, सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे, हम इसमें भी लगे हुए थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का, 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था, तो घर में भी उसके तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा, उसकी मम्मी खुश हो रही थी ये बना खुलाऊंगी वो बना खुलाऊंगी, तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा, तो कुछ दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई, उसने कहा डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, और अपने हॉस्टल में हूँ, और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया, तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ
उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। प्रशासन ने उसकी ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निसंग जी से बात हुई थी, निसंग जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है, और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके उनके घर तक। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माई नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाइड PCS UK PCS 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर केन एंड शुगर डिपार्टमेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड विशेज टू अमित सर एंड अर्चना मैम फॉर द venture Vedanta and I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून। मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way, we inspire, we are a family bound by a common bond. We lead. We innovate, the record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. चलिए तो आगे बढ़ेंगे। देहरादून पुलिस ने सेलाकुई में हुई ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घटना में लूटी गई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद कर ली गई है। SSP देहरादून जनमेजय खंडूरी ने बताया कि 18 फरवरी को सेलाकुई में सर्राफा की दुकान में तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल बिजनौर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के हवाले से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। 18 फरवरी को एक सर्राफ के यहाँ पर लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो वादी ने बताया था कि 2 अभियुक्त दुकान में घुसकर मैन हैंडलिंग भी की गई और उनके द्वारा वहाँ पर लूट कारित की गई, जहाँ जिनके द्वारा वहाँ पर जो कैश पड़ा था और जो सोना चांदी था उसको लूट कर ले जाया गया। इसके बाद हमारे द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई, हमारी SOG की टीम बनाई गई और वहाँ पर हमने सारा मुखबिर तंत्र को भी आगाह किया, तो उससे जो हमको लीड्स मिली, जो हमने CCTV भी देखे, सेल साइट भी देखा, तो उससे काफ़ी हमको सुराग मिले, जिन सुरागों के बेसिस पर हम जो मेन अभियुक्त हैं उन तक पहुंचे और आज हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे हमको जो दुकान से चुराया गया माल है वो बरामद हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को सुरक्षित अपने देश लाने का प्रयास कर रही है। चमोली के दशोली ब्लॉक के मजोठी गांव की योगिता यूक्रेन में है। युद्ध के हालात के बाद योगिता के पिता भी अपनी बेटी को लेकर परेशान हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एमडी की पढ़ाई कर रही है, उसका फोर्थ ईयर है और यूक्रेन के कीव शहर के तरस कॉलेज में मेडिकल कोर्स कर रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। से अभी तक तो हमें जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है, तो चमोली जनपद की दो लड़कियां हैं जो अभी यूक्रेन में हैं, एक यही मजोठी गांव दशली ब्लॉक में है और एक गैरसैंड ब्लॉक से। तो गैरसैंड ब्लॉक का जो परिवार है, उनका परिवार अभी दिल्ली में निवासरत है और जो यहाँ मजोठी गाँव के हैं अभी गोपेश्वर में निवासरत है। इनकी सूचना हमने संकलित करके जो शासन से हमें संदर्भ आया था, समस्त जो सारी डिटेल्स हैं वो हमने शासन को आज प्रेषित कर दी है। अग्रतर कार्रवाई इस क्रम में अब शासन स्तर से की जाए। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक का एक छात्र और एक छात्रा और ऊखीमठ ब्लॉक के भी एक छात्र और एक छात्रा की यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये सभी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगस्त्यमुनि सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट डीएल मंगवाल के बेटे अंकित चंद्रा और फलही गांव के पूर्व प्रधान विजय भट्ट की बेटी अवंतिका भट्ट यूक्रेन की राजधानी कीव में पढ़ाई कर रही हैं। जब से वहां के हालात बेकाबू हुए हैं, छात्रों के परिजन परेशान हैं और अभिभावकों में यूक्रेन के कॉलेज प्रशासन पर हालातों की गंभीरता को समझने में गलती करने का भी आरोप लगाया है। मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से हूं। मेरा बेटा यूक्रेन के कीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का छात्र अध्ययनरत है और समाचार माध्यमों से ये ज्ञात है कि वहाँ पर विगत कई दिनों से युद्ध छिड़ गया है और बच्चे बहुत परेशान हैं और बच्चे उस गोला बारूद बमबारी से बेसमेंटों में छिपे हैं। मेरे भारत सरकार से निवेदन है कि जब तक वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं पोलैंड इत्यादि, वो भारत सरकार उनको जो है तब तक वहाँ शिफ्ट कराएं जब तक जो कम से कम पोलैंड इत्यादि जो देश हैं वहाँ बच्चे उस भय से मुक्त रहेंगे। मैं हाथ जोड़कर भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप, हम माँ बाप हैं, हमारी पीड़ा को समझिए और हमारे जितने भी भारतीय बच्चे वहाँ पर हैं उनको सकुशल अपने वतन लौटाएं। धन्यवाद। वर्तमान तक सेकेंडरी सोर्सेज से 4 छात्र छात्राओं की जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इसमें से किसी के भी परिजनों ने जानकारी स्वयं उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोग उनके डिटेल्स निकाल के उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी पुख्ता होती है इसको आगे शासन के नियमानुसार निर्देशानुसार फॉरवर्ड करा दिया जाएगा और जो भी इस पर आवश्यक समन्वय यहाँ से स्थापित किया जा रहा है वो कर लिया जाएगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश से भी तमन्ना त्यागी यूक्रेन में फंस गई हैं। उनके सलामती के लिए गंगानगर में रहने वाले युवती के माता पिता लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तमन्ना के माता पिता ने भारत सरकार से उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाने की मांग की है। पिता हूँ, मेरी 20 साल की मासूम बच्ची जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेजी थी और मैं चाहता हूँ सरकार से कोई मदद मिले, मगर कुछ भी नहीं मिल रही है और मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। मेरी बच्ची 3 साल से MBBS करने गई थी, वहाँ कर रही है, अब तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी, मगर अब जाके बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई है। खाने के भी वो हो गए हैं, वहाँ खाना ख़त्म होता जा रहा है उसका। तो मोदी जी से यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो मेरी बच्ची हो या दूसरे की हो वो सही सलामत घर आए। वो यूक्रेन में पढ़ती है, MBBS की छात्रा है, यूक्रेन इवानो में। वो वहाँ से 3 साल से रहती है, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल, क्योंकि हमारे तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।